हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप योनो SBI ऐप के माध्यम से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम योनो SBI ऐप को ओपन कर लेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, मतलब कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, MPIN वगैरह क्रिएट करना होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जाके ये ऐप हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये SBI की तरफ से बनाया गया एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जो मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मतलब एकदम सिंपल है। अगर आपके पास SBI का ATM डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप उसको कहिए है, तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करना या इसके लिए ID बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, जो भी आप कहिए बिल्कुल ईजी होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो ओपन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमसे हमारा MPIN मांग रहा है। हम अपना MPIN डाल कर लॉगिन करेंगे या User ID भी डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। User ID बोले तो इंटरनेट बैंकिंग की User ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना MPIN डालूँगा क्योंकि ये ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे अपना MPIN डाल ले रहा हूँ। MPIN डालने के बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अकाउंट्स का, और अकाउंट्स के अंदर है योनो पे पे हमें क्लिक करना है। यहीं से हम जो है किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक में, चाहे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना हो या किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र करना हो। और बाकी सारे पेमेंट्स यहाँ से हो सकते हैं ईजीली बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहाँ कई ऑप्शन मिलते हैं, क्विक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, भीम UPI। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्विक ट्रांसफ़र वाला करना है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करना है। बाकी जो बैंक ट्रांसफ़र है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो बैंक ट्रांसफ़र है वो NEFT के ज़रिए होता है और जो क्विक ट्रांसफ़र है वो IMPS के ज़रिए होता है और इसमें तुरंत पैसे पहुँच जाते हैं। तो हमें IMPS के ज़रिए पैसे भेजने हैं, तो हम क्विक ट्रांसफ़र वाला ही ऑप्शन लेंगे, बैंक अकाउंट वाला नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल कर सबमिट पर क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि बेनिफिशियरी को आप जो है कैसे पे करना चाहेंगे, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे SBI अकाउंट पे लगा हुआ है, यहाँ अदर भी है, SBI भी है, अदर बैंक का भी ऑप्शन है, SBI बैंक का भी है। तो मुझे जो अदर में भेजना है तो SBI का क्यों लूँ मैं। तो अदर में अगर आपको, मतलब दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपको डालना है तो अदर वाला लीजिए, अदर बैंक अकाउंट, और अगर SBI का तो SBI अकाउंट लीजिए। तो देखिए सबसे पहले नाम हमें फिल करना होगा, मतलब नेम देना होगा, जिसके आप खाते में पैसे भेज रहे हैं, जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसका नाम सबसे पहले फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दीजिए जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं दे दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर के बाद हमसे जो है IFSC मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम जो है IFSC कोड दे दे रहे हैं, ब्रांच का जो IFSC कोड होता है। IFSC को आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे IFSC कोड डाल के सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखते हूँ कि सर्च हो के मेरा ब्रांच आता है रिज़ल्ट में या नहीं। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। अरे इनका सर्वर हर वक्त जो है डाउन ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे IFSC आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने IFSC जो है बिल्कुल सही से डाला है, करेक्ट या नहीं। उसके बाद हमें लिमिट डालनी होती है, मैक्सिमम लिमिट। ये हम बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट क्या, मतलब किस लिमिट तक उसको भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे 10,000 तक की मेरे ख्याल से लिमिट है IMPS के ज़रिए। सो मुझे क्या करना है कि मैं जो है 10,000 की लिमिट ही ले रहा हूँ, या 1,000, मतलब जितना आपको लिमिट रखना है 10,000 के अंदर उतनी आप रख लीजिए। वहाँ पर शायद 10,000 का दिखा रहा था, 10,000 या पता नहीं,
अच्छे से याद नहीं है। तो यहाँ पे निक नेम पूछा जा रहा है, तो निक नेम में भी आप चाहें तो वही नाम जो आपने ऊपर दिया हुआ वही नाम आप रख सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड है ये, तो इसको तो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। मैं थोड़ा सा लिमिट को कम कर ले रहा हूँ, मतलब लिमिट क्या, मुझे मेरा ही बैंक अकाउंट है तो मुझे इसमें पैसे वैसे तो भेजने होते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, मतलब बताने के लिए कि आप कैसे पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए भेज रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए सारे जो है डिटेल फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स, तो किस अकाउंट से पेइंग फ्रॉम, मतलब आपके SBI या कौन सा अकाउंट से हो सकता है कि SBI में आपके कई अकाउंट हो, तो उसको अभी सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हमें डालना होता है कि आप कितना कितने पैसे जो है भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 1000 भेजना चाहूँगा। उसके बाद रिमार्क हमें देना, तो रिमार्क्स तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आप किस पर्पज़ से भेज रहे हैं, क्या है फलाना रिमार्क है, जो आप रिमार्क्स लगाना चाहते हैं वो आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी मैंडेटरी फील्ड है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब किस पर्पज़ से, किस रीज़न से आप पैसे भेज रहे हैं, या जो भी आपका रिमार्क्स हो वो दे दीजिए। उसके बाद सिंपली पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने के बाद ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे डिटेल भी दिखाई दी जा रही है, और इसके जो चार्जेस है वो 0 रुपये है। तो इसके बाद एक OTP भेजा जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके बैंक खाते से, उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उसको आप यहाँ पर इंटर करिएगा। OTP इंटर करने के बाद दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा शायद, हाँ हो जाएगा। हाँ तो देखिए ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, तो मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से योनो SBI ऐप के माध्यम से आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इनकी इन सब की नॉलेज हो जाए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें, और इससे बेहतर जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।